गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। राम राम, सत श्री अकाल सबको। कैसे हो? सुबह हो गई है यहाँ पे, सुबह के 5 बज गए हैं और देख लो क्या नज़ारा है। यहाँ से पीछे से सनराइज होएगा, रेस्ट बाकी, चारों तरफ कलरफुल नज़ारा है, बढ़िया। दिखाता हूँ, ये देखिए, वहाँ पहाड़ के पीछे से निकलेगा सूरज और ऊपर ये चंदा मामा भी दिख रहे हैं हल्के हल्के। वाओ यार, व्हाट ए ब्यूटी। सनराइज के टाइम वापस शूट करूँगा, बढ़िया, एकदम अच्छी वीडियो आएगी। तो अब कुछ घंटों बाद हम जाएंगे अंदर पोर्ट में, वहाँ दूसरा शिप खड़ा है, हमारे शिप के जैसा ही है वो भी, वो निकलेगा और हम यहाँ से जाके और वहाँ पार्किंग लग जाएंगे, फिर लोडिंग करेंगे। लोडिंग करके फिर निकलेंगे अगले पोर्ट के लिए। भाई सनराइज हो चुका है, वैसे पहाड़ के पीछे है सूरज, दिख नहीं रहा, थोड़ी देर बाद निकलेगा, पर डिफरेंस देखो कितना है, इधर लाल है पूरा और जैसे जैसे दूसरी तरफ जाते हैं कलर चेंज होते जाता है। देखो वाइड एंगल में दिखाता हूँ, ये कितना डिफरेंस आ जाता है, और जैसे जैसे इधर जाएंगे लाल होता जाता है। देखो व्हाट ए ब्यूटी यार, पहाड़ के पीछे से सूरज निकलेगा एकदम। ये हमारा पायरेसी के लिए सामान आया था, 5 पैलेट आए थे टोटल, इनके अंदर सैंड बैग्स है, इनको यहाँ लगाएंगे हम लोग ताकि अगर नीचे से बोट आए और वो आरपीजी फायर करेंगे तो यहाँ थोड़ी दीवार जैसी प्रोटेक्शन बन जाएगी, दोनों तरफ ब्रिज विंग पे दोनों तरफ लगाएंगे इनको। एक ये रेजर वायर रखे हुए हैं, ये आए थे, इनको रेलिंग के साथ साथ पूरे जहाज पे साइड साइड में लगाएंगे ताकि नीचे से कोई बोर्ड ना कर पाए। तो जी अब होने लगा है सनराइज, स्लोली स्लोली सूरज निकल रहा है पहाड़ के पीछे से, तो आप लोग ये सनराइज एंजॉय करो। और मुझे अब जाना है आगे स्टेशन के लिए, एंकर उठाएंगे, अब हम कॉल आ चुका है तो एंकर उठा के टग बोट आएगी, फिर वो हमें अंदर पोर्ट में लेके जाएंगे लोडिंग के लिए। एंकर उठा लिया भाई, निकल रहे हैं अब, वहां पे जाएंगे उधर सामने उस जहाज के पीछे की तरफ। पावर देखो भाई की, सुपर पावर इंजन है, फरारी टर्बोजेट क्या स्पीड से भाग रहा है, और इधर से ये भाग रहा है दोनों टक्कर ना मार जाएं। और इधर हमारा जहाज भाग रहा है स्लो स्लो, एकदम जंगल टाइप में है वैसे ये पोर्ट, ये देख रहे हो चट्टाने एकदम रो जिसको कहते हैं ना, जैसे फिल्मों में देखते थे यार हम डिस्कवरी चैनल पे, एकदम रो है बिल्कुल। और यहाँ कल से देख रहा हूँ मैं, व्हेल डॉल्फिन ऐसे घूमती रहती हैं आराम से, एकदम मस्ती। अगर वापस दिखेगी तो फिर रिकॉर्ड करूँगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। हम यहाँ जाएंगे, एक तो ये शिप खड़ा हुआ है, हम इस वाली पॉकेट में जाएंगे। वैसे तो शिप अच्छी खासी स्पीड से चलता है, पर जब पोर्ट में हम लोग अंदर जाते हैं तो कंट्रोल स्पीड में अप्रोच करना पड़ता है, तो अभी एकदम स्लो जा रहे हैं ताकि बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो तो रुक जाए। बांध दिया है भाई जहाज अपना, ये हमारी रस्सियाँ चली गई, ये टर्मिनल है, वहाँ से अपना गेहूँ आएगा। उससे पूछता हूँ फोरमैन से, हमारा कार्गो का फ्यूमिगेशन होने वाला है, तो ये सर्वेयर आया है इंस्पेक्ट करने के लिए सब जगह, कहीं कुछ लीक वीक के चांस तो नहीं है, सब जगह चेक कर रहा है एकदम। भाई लोडिंग हो तो गई स्टार्ट, बहुत हेक्टिक चल रहा है, लेकिन रेल बनी पड़ी है जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल एक साथ दमादम चल रहा है। यहाँ ये अपना कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें दिखा देता हूँ, बाहर तो अभी जाऊँगा नहीं मैं, पीछे देखो ये यहाँ इससे लोड करते हैं इन पाइपों से, दमादम चल रहा है, इधर डस्ट टूट रही है देख रहे हो, फुल स्पीड लोड कर रहे हैं। और भाई अपनी चल रही है चाय, चाय पी रहा हूँ चाय का आनंद लेते लेते करते हैं थोड़ा काम।
बहुत बिजी लाइफ है। आज रात को तो 12 बजे तक चलेगा कार्गो, 12 बजे तक जगना है कंटिन्यू। सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ, डी ब्लास्टिंग वगैरह चलती है, इसके लिए रुकना पड़ता है। ये देखो भाई, गेहूँ लोड हो रहा है, डस्ट है लेकिन बहुत। इसमें ऑलरेडी हो चुका है लोड, इसके अंदर कितना सोचते हो कितना गेहूँ आया होगा इस होल्ड में। इसमें आया भाई 6,700 टन, 6,500 टन के आसपास। ये देखो गेहूँ, क्या बोलते हो, सही है भैया जी? रात हो गई है, रात के अभी बज रहे हैं 9:30। नहाने जा रहा हूँ, नींद आने लगी बहुत तेज, नहा के आऊँगा, फ्रेश लगेगा थोड़ा, फिर स्टार्ट करेंगे काम वापिस। और बाकी बाहर तो देख लो, धूल मिट्टी हो रही है बहुत ज़बरदस्त। ये हमारे पीछे दूसरा जहाज, पूरी धूल उड़ रही है, ये देख लो क्या हाल मचाया हुआ इधर। दांस आ रही है भाई भाई। और रात को हालत एकदम टाइट हो गई थी, कंटिन्यू कर नहीं कर पाया बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग। अब हो गई है, अगले दिन की सुबह सोया हूँ, कुछ 4-4.5 घंटे सोया रात को। अब वापस चलते हैं जी डेक पे। यहाँ इस वाले में 2-2 डाले हुए हैं इन्होंने लोड करने के, 2-2 स्प्राउट। अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा यार, बहुत धूल है, लेकिन 2-2 स्प्राउट डाले हुए हैं। आगे वाला होल्ड दिखाता हूँ, ये वाला ऑलमोस्ट लोड हो चुका, इसमें भी कुछ 6,800 के आसपास कुछ आया कार्गो, 6,800 टन, 6,500 टन गेहूँ। बढ़िया गेहूँ है, साफ एकदम, थोड़ा वो नीचे भी गिरा देते हैं, ये हो ही जाता है यार, इतना बल्क में लोड हो रहा है तो थोड़ी बहुत। ड्राइवर काम कर रहे हैं इधर, केज में बैठ के नीचे जाता है, फिर वहाँ से अंदर, ये उसकी सांस लेने के लिए पाइपें हैं, इसके अंदर से उसकी हवा जाती है, फिर नीचे काम कर रहे हैं पानी के अंदर, वेल्डिंग वेल्डिंग कुछ मेंटेनेंस, वेल्डिंग अंडर वाटर वेल्डिंग कर रहे हैं। क्या क्या है बता? फिश, दाल, राइस, अच्छा न्यूटेला भी लंच में खा रहे हो रोटी के साथ, फ्रूट, स्वीट मेलन। वाह भाई वाह, दही तो तुम ही बनाओगे। करेला, इसको क्या बोलते हैं? बस भाई ऐसा खाना रोज मिल जाए, आर्नोल्ड तू ही बनेगा। लंच भी करके आ गए हैं भाई साहब, और ये ड्राइवर साहब पानी में डुबकी लगाते हुए नीचे जा रहे हैं अभी। ये हर एक घंटे में ऊपर आते हैं, फिर एक घंटे के बाद नीचे जाते हैं। लोड हो गया भाई हमारा जहाज, जब हम आए थे तो ये इतना ऊंचा था, सारा लोड हो गया नीचे बैठ गया, अभी इतना गेहूँ लोड कर दिया इसमें, 30,000 टन, 30,000 टन टोटल गेहूँ लोड हुआ है, देख लो कितना नीचे आ गया। लास्ट में आके स्लो कर देते हैं लोग, थोड़ा थोड़ा निकालते हैं ताकि बाहर ओवर फ्लो ना हो जाए, नहीं तो बहुत पूरी स्पीड से आता है ये। आ गया भाई ड्राइवर बाहर, इसका कपड़े उतार। अब फाइनल प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं अपनी सेलिंग के लिए, साफ सफाई कर रहे हैं, चैनल कॉमिंग इनकी सफाई चल रही है। लास्ट में डिपार्चर के टाइम बहुत बिजी हो जाता है शेड्यूल, हेक्टिक सा। तो भाई होगी लोडिंग अपनी, इधर पीछे ये देख लो गेहूँ फुल लोड हो गया, बढ़िया एकदम आ रहा है, दिख रहा है कि कैमरा अपने आप फोकस कर लेता है। बट अपनी हालत टाइट है, नींद पूरी नहीं हो रही, यहाँ से निकलेंगे अब रात हो जाएगी निकलते निकलते, फिर देखेंगे सोने का, अभी तो ऐसे ही चल रहा है यार। ये फ्यूमिगेशन का सामान है, फ्यूमिगेशन कर रहे हैं या सो ये भाई डेंजरस, इसमें दवाई होती है, इसको डालेंगे होल्ड में। दीज आर द गाइज डूइंग, होल्ड फुल भर गए अपने, टोटल 30,000 टन गेहूँ। थोड़ा बहुत नीचे डेक पे भी गिर गया यार, वेस्ट होता है तो दुख तो होता ही है, जैसे अपने गांव में खेती करते हैं तो इतनी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, थोड़ा सा भी वेस्ट होता है तो बुरा लगता है। ये अपना सब सामान लेके आए हैं फ्यूमिगेशन का, अब इसमें अंदर फ्यूमिगेट करेंगे, ये दवाई डालेंगे अंदर। फ्यूमिगेशन कर रहे हैं मशीन से, गोलियां डाल रहे हैं अंदर वो पाइप के थ्रू,
यहाँ पे इन्होंने मशीन रखी हुई है, इसका पाइप गया हुआ है मशीन का और उसमें गोलियाँ अंदर जा रही हैं। ऐसे ही हर जगह अलग अलग लोकेशन पे डालेंगे ये लोग, पूरे होल्ड में कवर करेंगे गोलियों को। यहाँ देखो पानी कितना साफ है और एकदम मरीन लाइफ एक्वेटिक एनिमल इतने अच्छे दिखते हैं। स्टार फिश दिख रही है, ये सारी चिपकी हुई है साइड साइड में, कितनी प्यारी लग रही है और सारी लाइव है ये एक से एक। बढ़िया इसकी हो रही है भाई पार्टी, बढ़िया। यहाँ पे स्टार फिश है, चुन चुन के खाती रहती है इधर, बढ़िया। बीच बीच में केकड़े भी आते हैं, केकड़े पकड़े के खा लेती है। सही है, चल रही है इनकी। यहाँ पे देखो अभी जाएगी स्टार फिश को पकड़ेगी और खा जाएगी। हाँ अभी देख रही है कौन सी वाली बढ़िया है। लो जी फाइनली जहाज पूरा लोड हो चुका है और हम निकल रहे हैं अब पोर्ट से वापस। बैक गियर में जहाज पीछे जा रहा है अब। विपुल आ रहा है बेचारा भटकते हुए ब्रिज से, ब्रिज पे गया था ये डिपार्चर के टाइम, सीखना होता है, इसके ट्रेनिंग फेज चल रहा है। तो ब्रिज का हो गया तो भाग गया रहा है मेरे पास। सही है लड़का, लेकिन अब हम एंकरेज पे शिफ्ट हो रहे हैं, 24 घंटे एंकर पे रुकना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। निकल लिया है भाई, अब ये हमारे पीछे रह गया अपना पोर्ट, लोडिंग हो गई है, अब हम जा रहे हैं एंकर पे। गेटा गए, जहाज को पुश करके घुमा रहा है ये, हम घूम जाएंगे दूसरी तरफ फिर जाएंगे एंकर पे। मैं इसको कह रहा था कि हम दो दिन में 6 घंटे सोए बस, तो भाई का डायलॉग सुनो क्या कह रहा है देखो। पर हमने कुछ ऐसा मेहनत मजदूरी का काम करा नहीं, हमारी प्रेजेंस होना ही जरूरी है बस। ओके ठीक है, तू कितने घंटे सोया? मैं 8 घंटे सोया। मैं 6 घंटे सोया, 48 घंटे हो गए ना। पीछे का रस्सी ऐसे रंग है, बोसन का रस्सी की टेंशन है। ठीक है रखेंगे रखेंगे। पानी देख रहे हो कितना साफ है, पूरा नीचे तक दिख रहा है जहाज पानी के अंदर भी एकदम चकाचक। अब यहीं खड़े हैं हम एंकर पे, 24 घंटे हो जाएंगे, शाम को निकलेंगे फिर। तब तक सिक्योरिंग फोर्सी कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं पूरा समंदर के लिए जहाज को। ये रस्सियाँ जो भी चढ़ी हुई हैं इस पे, ये सारी रस्सियाँ निकाल के अंदर स्टोर में डाल देंगे, तो बाहर सड़ जाएंगी। 15 दिन का रास्ता है ना, यहाँ अंदर डाल देंगे सारी रस्सियों को। अभी निकालने लग रहे हैं इनको सबको, वहाँ से भी निकाल रहे हैं ये सारे। अभी ये वाली, ये समुंदर में अभी वेदर ख़राब होता है कई बार, तो हम डेक पे आते हैं चल के, तो ये काम आती है, इसको पकड़ पकड़ के चलते हैं हम लोग, नहीं तो एकदम से लहर आएगी और लेके चली जाएगी पानी में, इसलिए लगानी ज़रूरी है। ये भी लगाएंगे अभी, गेहूँ देख रहे हो कितना ख़राब हो गया इसका, और कुछ हम कर भी नहीं सकते यार इलाज, पर यहाँ तो मछलियाँ ही खाएंगी इसको। जहाज निकलेगा तो इसको पूरा पानी में ही फेंकेंगे बाहर निकल के समंदर में। पीछे वाली रस्सियों को कवर कर दिया है मेटल के पतरे से। यहाँ क्या होता है कि ऊपर हमारा एग्जॉस्ट है जहाज का, वहाँ से कई बार पतंगे वगैरह गिरते हैं नीचे, तो ये रस्सियाँ जल जाती हैं, तो इसलिए इनको कवर करना पड़ता है ताकि रात भी रात पीछे से कहीं कुछ आग वाग ना लग जाए। प्लस ये प्रोटेक्ट भी करती है, जैसे धूप वूप लगती है ना तो रस्सियाँ ख़राब नहीं होती रास्ते में, ये पीछे वाली रस्सियों का काम कर दिया। और बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है, एक जहाज और खड़ा है वहाँ। यहाँ भी टीला लगा रखा है इन्होंने, कितना गेहूँ खराब हो रहा है यार देखियो, कितना कम से कम मेरे ख्याल 2-3 ट्रॉली गेहूँ तो पड़ा होगा, पूरा टोटल निकाला है ना डेक पे जितना है सारा इकट्ठा करा जाए 2-3 ट्रॉली भर जाएगी आराम से। Oh,
अपना हो गया है भाई सारा काम, डेक डुक का रेडी निकलने के लिए जहाज, ऑल डन, लोडिंग हो गई, सिक्योरिंग हो गई, सब हो गया। थकावट भरे दिन भी ख़त्म हो गए, अब सेलिंग स्टार्ट होएगी तो थोड़ा रिलैक्स चालू होएगा अपना। कल संडे भी है तो कल थोड़ा अच्छे गेट टुगेदर करेंगे छोटा मोटा। बाकी तो और सब बढ़िया ही चल रहा है यार, यही अपना ऑफिस है, यही बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं कंप्यूटर पे, यही चलता रहता है सारा। पीछे अपना सारा ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बलास्ट वलास्ट का। सो दिस इज़ व्हाट। चलो ठीक है भाई लोग, फिर आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन चलो बाय बाय, टेक केयर, राम राम।